मुझे दुल्हा मिल गया, लड़का ढूंढ लिया। पापा मम्मा को बताया तुम? पापा मम्मा को भी बताना है। अभी मैंने तुम्हें दूल्हे से मिलवाना, ठीक है? तुम रेडी हो के अपने घर जा रही हो? ऐसा ऐसा पति चाहिए। मैं एनियूज शादी कर रही हो। ऐसे मैंने देखा उसे और फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा भाई यही दूल्हा बनेगा। चलो जी मम्मा, ये आपने क्या किया है? इतना अच्छा लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चल जाए। तो भी आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मुझे दुल्हा मिल गया। और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से मैं भी शॉक्ड हुई थी, लेकिन मुझे फाइनली मिल गया है। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये न्यूज आप लोगों के साथ ब्रेक की, अभी फैमिली के साथ भी ब्रेक करनी है। उनको नहीं पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, सिर्फ रिश्ता लाना रहता है और बाकी सारी चीजें रहती है, और मुझे एक इम्पोर्टेंट बंदे का उसमें अप्रूवल चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको पूरी चीजें डिटेल में पता चल सके। सो भाई चलते हैं नीचे, सबको ये न्यूज देते हैं और सबका रिएक्शन देखते हैं कि भाई उनका क्या रिएक्शन है। तो भाई है हीरा कहाँ से दूल्हा ढूंढ लाई, क्योंकि हमें तो काफी टाइम से नहीं मिल रहा था लेकिन मिल ही गया हीरा का दूल्हा। तो भाई चलते हैं नीचे, सारी चीजें आपको साथ साथ दिखाते हैं, दूल्हे से इंट्रोडक्शन भी कराते हैं थोड़ा थोड़ा। और या सो लेट्स गो। तो भाई मैं आ चुकी हूँ नीचे और मेरे पास है आज सब लोगों को देने के लिए एक एक्सट्रीम गुड न्यूज। ठीक है, शायद किसी को बुरा भी लगे, लेकिन 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 कोई बात नहीं, आज हम ये गुड न्यूज सबको ब्रेक करते हैं। तो भाई सबके रिएक्शन देखते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आई हूँ और ये दोनों बैठ के नाश्ता कर रही हैं। ठीक है, कोई टाइम है नाश्ता करने का? और ये कोई टाइम है उठने का? मैं ब्रेकफास्ट करके ऊपर चली गई थी, मैं बाद में वापस आई हूँ, सिर्फ अब तुम लोगों को न्यूज देने आई हूँ, गुड न्यूज। गेस करो क्या हो, क्या सकती है गुड न्यूज? ये जो कहना कि किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को, किसी एक पर्सन को, तुम में से किसी को बुरा नहीं लगेगा। मुझे क्यों फीलिंग आ रही है मैं तुम नहीं हो, लेकिन हाँ किसी एक को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने कुछ ढूंढ लिया है। किसको बुरा लगेगा? किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कुछ ढूंढ लिया है। क्या ढूंढा है? मैंने एक खजाना ढूंढ लिया है, बरसात मिल गया मुझे। हाँ लड़का ढूंढ लिया है, तेरे बस की बात नहीं। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने अभी कुछ बोला है यार, जो जिसकी न्यूज होती है वो उसे देने दिया करो। वैसे ये अभी ये वाला चेंज द टॉपिक, ठीक है? एक न्यूज है, तुम लड़का छोड़ो, मैंने कुछ और ढूंढ लिया है। गेस करो क्या? मेरा मैं एमसीक्यूज देने नहीं बैठी हुई यहां भाई का। यहां पे मम्मी आ गई हैं। गेस करो, जाके शर्ट कमीज और पजामा। मम्मा मैंने चेंज कर लिया है, खुशी इतनी थी। मैंने कहा पहले जाके ना सबको न्यूज ब्रेक करती हूँ। किसी को बुरा लग सकता है, मुझे नहीं पता बुरा लगेगा यार। तुम लोग मिले आराम से खाना खा रहे हो, तुम लोग का निवाला गले में ना अटक जाए। मैंने लोगों को बता दिया कि क्या सरप्राइज है, मुझे भी थोड़ा शॉक लगा था। लेकिन तुम जा रही हो कहीं? मैं कितने चल रही हूँ ऐसे ही, यहाँ आउट ऑफ कंट्री जा रही हो। तो ये तुम लोग में से किसको बुरा लगेगा? किसी को भी नहीं, सबको। वो देखना जरा, वो पीछे खड़ी हुई है। क्या क्या सरप्राइज है? अच्छा चलो तुम लोगों को न्यूज ब्रेक करती हूँ। न्यूज ब्रेक करो, नहीं तो इस तरह तुम्हारी हड्डी ब्रेक कर दूंगी मैं। लेकिन तुम दोनों को बताती हूँ अभी, यहाँ पे जो आसपास के बाकी लोग हैं इनको बाद में बताऊंगी। ठीक है, इनको तो सुनाई नहीं देगा। चलो भाई तुम लोगों को बताती हूँ, कान करो अपने पास। अल्लाह की कसम कोई प्रैंक हो ना मैं आप उड़ा देना। प्रॉमिस कोई प्रैंक नहीं है, मुझे क्यों उड़ा देना ज़ैनब। कान करो दोनों, मुझे दूल्हा मिल गया। तो बुरा किसको लगना? बुरा किसको लगना? किसी एक पर्सन को लगना है। इस वीडियो के लास्ट में किसी एक पर्सन को बुरा लगना है। अच्छा मैंने तुम लोगों को बता दिया, ठीक है, लेकिन किसी और को नहीं बताना, सबको ये न्यूज मैं ब्रेक करूंगा। पूरे चार मतलब उनको भी तो बताया ना, उनको भी तो बताया ना, उनको तो व्लॉग स्टार्ट कर, मुझे मिलवाओ दूल्हे से, चेक करें पता है कि दूल्हा है कैसा। ठीक है ना, अभी मैं तुम लोगों को मिलवाऊंगी, थोड़ा सब्र कर लो। अभी वो जरा गाड़ी शाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। रहा नहीं जाता। पापा मम्मा को बताया? पापा मम्मा को भी बताना है अभी यार, इतनी भी वो नहीं है। क्या हो गया है? कुछ भी नहीं, मैंने बताया इन्हें तो भाई। अभी मैं पहले थोड़ा सा कुछ खाना खा लूं, फिर बाकियों को बताऊंगी कि वो गुड न्यूज क्या है। क्या कह रही हो? हमें खुशी हुई है, तुम्हें भी खुशी हुई है, लेकिन किसी एक को खुशी नहीं होगी, ये मैं लिख के दे रही हूँ गारंटी के साथ। और ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो भी कुछ खाते पीते हैं और फिर ये न्यूज आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के करके अपने अंदर से निकालते हैं और सबको बताते हैं। तो भाई यहाँ पे राबा मैडम चकाचौंध होने खड़ी हुई है शीशे के आगे। भाई
तुम्हें तो मैंने न्यूज दी नहीं, और क्या मैंने न्यूज देनी भी नहीं है कि वो है क्या। गुड न्यूज है बेटा, मेरे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारा पता नहीं है। अभी खैर प्रोसीजर होगा, सारी चीजें होंगी ना, फिर थोड़ा सा पता चलेगा कि यस है या नो है या आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। एक्सक्यूज मी आप शादी कर लो, अभी तुम बस चुप कर जाओ, मुझसे इस बारे में अभी कोई बात ना करो। क्या निकलो इधर से, ठीक है मेरी बहन। जब आपके साथ साथ आपकी बहनें भी पागल हो ना, तो ये सेम एनर्जी क्रिएट होती है। तो भाई यहाँ पे मेरी बहनें पागल हो गई हैं। रबे क्या कर रही हो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, खाना पीना खाया नहीं है। निकलो इधर से। ये मैं क्या देख रही हूँ, अभी मैंने तुम्हें दूल्हे से मिलवाना, ठीक है, तुम रेडी हो के अपने घर जा रही हो। अब एक शादीशुदा बहन हूँ तुम्हारी, तो कोई बात नहीं, दो तीन दिन और रुक जाओ, इतना मजा आ रहा था यार। मजा आ रहा था, लेकिन मुझे घर पे भी काम है, मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगी। तुम रात को आ जाओ, तुमने दूल्हे को अगर वो आज आ रहा है मिलवाना, तुमने आज आ रहा है दूल्हा इस घर में, ठीक है, और मैंने तुमसे भी मिलवा, सबसे पहले मुझे तुमसे मिलवाना था यार। तुम मेरे घर ले आना, सबसे पहले मेरे घर लेके आना, फिर यहाँ ले, नहीं रात को आ जाना, नहीं पहले मम्मा पापा का दिखाऊंगी, फिर राबिया फातिमा को दिखाते, तो बताऊंगी ना कि मम्मा पापा को खाना कैसे दिखाना। तुम यू कर दोगे अप्रूव, यू मुझे पता है तुम्हारा, तो मैं आऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है, चलो बाय, अल्लाह हाफिज़। A few moments later. तो भाई मैं अभी ऐसे किचन में आई हूँ और मैंने देखा यहाँ पे मेरे अब्बा ने ना स्पेशल किस्म की बिरयानी रेडी की है, और मेरी अम्मा ने पता नहीं दुनिया जहान के दूधों की जो मलाई होती है ना वो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और इसका क्या करती है, वो बनाएगी इसका देसी, शुद्ध देसी घी, घर का बना हुआ। तो ये प्रोसीजर जब भी बनाएंगे आप फिर शेयर। सही पापा ने मुझे इग्नोरिंग किया था ना, गुस्सा कर चढ़ाया था, तो अब सही मुझे रिस्पांस दिया, मैं आई हूँ तो बिरयानी तैयार। मैं ना ऊपर थोड़ी देर ऐसे सोने चली गई, आप लोगों को मैंने वैसे गुड न्यूज तो दी ही नहीं है मामा, फटाफट से बिरयानी रेडी करें, खाना शाना खाते हैं। ओ माई गॉड, सही यार, पापा ने शुद्ध तय वाली बिरयानी बना के खिला रहे हैं यार। काकू की कढ़ाई बना रहे, आई हूँ तो सब कुछ भाई, ऐसा ऐसा पति चाहिए, ऐसा पति। इग्नोरिंग भी कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं जो आपको न्यूज दूंगी ना, ठीक है, उससे आप लोगों ने शॉक अच्छा, नहीं होना। मैं बार बार हीरा की न्यूज को इग्नोर की जा रही हूँ, लगता है मेरा इग्नोरिंग चैलेंज चल रहा है। मैं बात करती हूँ थोड़ी देर बाद, मैं ना न्यूज हूँ, मैं फोकस करती हूँ, कैसी न्यूज इन्हें देनी है। मम्मा एक न्यूज है ना, खुश हो जाएंगे आप लोग, ठीक है, फाइनली मुझे एक मैच, परफेक्ट मैच मिला है। ये क्या, ये क्या तरीका है, हाँ ये तरीका तो भाई आज बाबा ने बनाई है शुद्ध यमी बिरयानी, खाना खा लो। क्या तुम, क्या सुबह से भूखी हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। मेरी न्यूज नहीं जाननी तुम्हें, क्या न्यूज, मैं ए न्यूज, शादी कर रही हो, नहीं निकलो अभी इधर से, तुम इधर से, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बतानी बाकी सबको बतानी है। मैंने बेटा जब मैंने न्यूज बताई ना, आपने कहा ना ये हीरा चूरन नहीं है, ये तो कुछ और है, मुझे लगा तो चूरन ही रहा है। हीरा पे क्या है, बहुत ज्यादा खाने की टेबल पे बैठते हैं सारे, फिर बताती है खाने की टेबल पे खुशखबरियां दी जाती है, बड़ी बात है, खुशखबरी होनी चाहिए। पापा ने सिंपल बिरयानी बनाई है, तुम यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करने की कोशिश में हो। कैंडल बिरयानी आज कोई, कैंडल लाइट डिनर आज कोई खास आ रहा है, ठीक है, उसके लिए फातिमा ने म्यू म्यू। तो भाई सब लोग यहाँ पे खाना खाने बैठ चुके हैं, मेरी अम्मा ने डायरेक्ट ही पतीला ला के ना इधर रख दिया, इसको क्या कहते हैं, हम ये पहले ऐसे ही हम खाते, पहले हम ऐसे के पुराने दौर में, हम लोग ऐसे ही सीधे साधे लोग हैं, हम देसी और आदमी देसी हैं, ठीक है। अभी तो पापा की हम लोग बिरयानी टेस्ट करके बताते हैं, इतना बड़ा ढोंगा घर में पड़ा बिरयानी को रबे के लिए आपने से ज्यादा क्यों दी है, चलो चलो भूखी रह जाऊंगी इधर बैठ जाओ। ये मेरे अब्बा ने बनाई है गर्मा गर्म लजीज बिरयानी, बिरयानी अब हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करके बताते हैं। मामा मैंगो में क्या दिखा हुआ, मेरी अम्मा भी रोज मैंगो लेके आती है। मैंने मम्मा को कहा कि लोगों ने कमेंट कर कहा था हमारे पास तो मैंगो खत्म हो गए हैं, मामा जादूगर है पता नहीं कहाँ से मैंगो लेके आती है। यार भाई सारी बातें एक तरफ, ये बिरयानी इतनी मजे की बनी है ना, स्पाइस लेवल, नमक, शमक, हर चीज ऑन पॉइंट है, जैसे पापा वाकई शेफ होते हैं। क्लैपिंग पापा के लिए। सब ये चीज नहीं देखी हमारी, मोमबत्तियां जल रही हैं, मम्मा पास कर दे गॉड्स वाली का मोमबत्तियां भी है। ओके गाइस, तो सब यहां पे बैठ चुके हैं और अब इन लोगों को क्या बताना है, हम लोगों ने जो गुड न्यूज थी हमारी और वो ये है, बता दो। नहीं इसको पता है, सिर्फ इसको पता है, जिसने वाला दिमाग खाया गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। चलिए रुकिए बता देती हूँ क्या याद करेंगे, मुझे दुल्हा
धुला मिल गया है। फातिमा के चेहरे की हंसी तो देखे, धुला मिल गया मुझे, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे मिल गया? बस मिल गया, बड़ा मैंने ढूंढा, बड़ा ढूंढा, तो भाई ठीक है, मिल गया हमें दुला वाला जो भी है। मम्मा को एक्साइटमेंट हो रही है कि मैंने दस मिल गया, मिलवाऊंगा। आ रहा है वो रस्ते में, गाड़ी में मैं लेके आ रही हूँ। कहाँ मिला, कैसे मिला, क्या करता है? सारी की सारी न्यूज मैं फातिमा पुप्पो को दे दूँ। इधर मिला मुझे, ऐसे मैंने देखा उसे और फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा भाई यही दुला बनेगा। यूनिवर्सिटी में कहीं पे इसकी मिला अपनी? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। तुम्हें तैयार होके भी ऐसी ही लगना है जैसे तुम लग रही हो। बुरी बात है मेरे लिए, मेरे लिए आपके लिए, लेकिन हम सालियां कर हुई तो हमें तैयार होना बनता है। तुम अभी सबर कर लो और अभी दुल्हा देख के ना किसी एक का मुंह बनेगा, दुल्हा देख के, ठीक है। कुछ को खुशी होगी और कुछ को दुख होगा, ठीक है, और शायद वो एक्सेप्ट भी ना करे उसे दुला। लेकिन सबसे बड़े घर के इंसान को आप बता नहीं रही। वो पापा आ जाए ना, अभी बाहर वॉक करने निकले, मैं पापा जैसे ही आते हैं तो बताते हैं। मम्मा कॉल करिए साथ ही, पापा अरे पापा को कॉल करके बताए, मम्मा को साथ ही जैसे तड़ी ये दुला लेके आई है कार। पापा ने लव मैरिज पे भी पाबंदी लगाई। मैंने कहा है मैरिज है, लव है, ठीक है। मैं दुल्हे की बात कर रही हूँ तो मैं दुल्हे की बात तक ही रहो, ठीक है। और वो तुम लोगों को भी मैं बताती हूँ, ठीक है। दुल्हे से जब तुम लोग इंट्रोडक्शन कराऊंगी ना, तुम लोगों ने कहना वाह भाई वाह, हीरा क्या सियासत लड़ाई है। मैंने कहा पापा को कम ईयर कह रहे, क्यों की है? मैं कहा मामा ने पापा को कॉल कर करके बुला ही लिया और इधर परेशान नहीं की आलम में बैठी की ऐसा कहना मामा। चलो जी मम्मा ही, आपने क्या किया है? दुल्हा एक घर साफ कर लो, फातिमा को ज्यादा टेंशन पड़ी हुई है। सीरियसली क्या हुआ? पापा जी चितर नहीं उतार। देखिए मैं आपको जब दुल्हा लाके बताऊंगी, दिखाऊंगी ना, आप ना खुद ही शांत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। आपने कहना वाओ, आपको उसको देख के खुशी होगी, आपने कहना इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं अभी घर लेके आ रही हूँ, सबकी रजामंदी होगी तो मैं रिश्ता भेजूंगी। पापा कह रहे नो यार, तुमसे पूछा किसी ने? पापा जी पहले मैं आपको दिखा लूँ, आपको ठीक लगेगा तो ही रिश्ता भेजना। घर को लेके आ रहे हो? पहले बाहर देखना, पापा को दिखाना था घर पे, नहीं ऐसे बुला लिया किसी को, पापा को बताना था पहले। पहले बाहर देखेंगे, अगर घर लाने वाला हुआ तो फिर देखेंगे। नहीं पापा जी, घर लाने वाला है वो। पापा कह रहे हैं चीक पाक चीक टपाक डम डम चीक पाक। पापा जी मैं लेके आऊंगी ना, आपने मैं कहना है वाओ बहुत अच्छी जोड़ी है सच में। पापा लड़का देख के कहेंगे तेरे प्यार का रस ना चखना चखना चखना। मैं लड़का देख पाऊंगा चले मैं ला रही हूँ गाड़ी में, बाहर आगे वेट कर। कौन सी गाड़ी? बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं वो, मैं ला रही हूँ ना, मेरे साथ आओ। गाड़ी जीजा जी वेट कर रहे हैं वो जी, अभी तुम्हारे जीजा जी नहीं है वो, चलाओ आज 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 आप अंदर जाके बैठे, आप अंदर जाके बैठे। अब हमें आप ही मुझे तो बता दो कौन है। हमने ना मिर्ची का दुल्हा ढूंढा, अपना नहीं, इनको लग रहा है पागलों को मेरा, इसलिए मैं कहती थी अपना ही ना मेरा जूता, मैं मेरा लेता था ये बार। वो वेट कर रहा है, आज 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 मुझे लग रहा था आपका दुल्हा तो पागल हो यार। मैं वही तो कह रही थी कि पापा कहते हैं बाहर क्यों नहीं देखा, कार क्यों लेके आ रहे? मैंने कहा पापा जी दिखा तो दूं भाई। अल्लाह हमारा कब से वेट कर रहा है ये दुल्हा, वो बेचारा मोटा है तेरे दुल्हे राजा। अरे बदतमीजी नहीं करनी है, ध्यान से लेके जाओ। जीजा जी तो काफी हल्के हैं, मैं गोदी में बिठा लेता। काफी हल्के हैं जीजा जी, ये तो मिर्ची देना राबिया का मुंह बनेगा जब मिर्ची के लिए हमने रिश्ता लेके जाना है। आगे ये मिर्ची का रिश्ता आया, मुझे मिर्ची का दूल्हा मिला है, खुश हो जाएगी। लेकिन फातिमा को गुस्सा चढ़ेगा ना, राबिया ने अपनी मिर्ची के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करना, मुझे पता है वो मेरी दुश्मन है। उसने कह रहा तेरे कार से मैं कभी रिश्ता करना ही नहीं। अल्लाह चलो घर लेके चलो, हाँ इसको प्यार से लेके चलो घर, अब हम सबको मिलवाते हैं। चलो दिल के बदले में दिल का नजराना लेने, यार दरवाजा कौन खोलेगा? तेरी धड़कन क्या कहती है सुन सुन सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन हमारे साथ। अरे दुल्हा किया है, एक मिनट तो आपने इससे शादी कर ली, तुम्हारी दुल्हा मिल गई हमें। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज वो ये दूल्हा है कैसे? हाँ जी वो ये है, यही है फिर क्या है? यस दूल्हा मिल गया हमें। आपको लगता है प्रीति
लोकल खटाई सड़कों पर निकला इधर से। अच्छा जी मामा अप्रूवल है। हाँ परफेक्ट दूल्हा है ना, पसंद आया आपको? खबरदार एक मिनट, इस दूल्हे को कोई बात की तो जब से लड़की घर में आई है ठरकी उसका भी आ गया और आपका भी ठरकी आ गया। लड़की देखी नहीं और लड़के पागल हो गए। हद होती है। मेरे मामा ने तो इस लड़के को अप्रूव और साथ ही पता है कि के लिए और साथ ही पता है कि अबू धाबी की नेशनलिटी है उसके पास, तो दोनों रेंगनी की तरह आ जाते हैं। इसके पास भी है रोड की फिर कहाँ की है, कहाँ की है बताओ कैसे कहाँ की रहती है, कहाँ की है इसकी नेशनलिटी? इसके पास चाइना की, चाइना की है पापा जी। लाहौर का, लाहौर का काचूपड़े की नेशनलिटी है। अपनी मिर्ची जरा दिखाओ सर। एक्सक्यूज मी, दूर रहो उसे मिर्ची। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। राबिया मैं प्रॉपर तरीके से रिश्ता लेके आऊंगी और हमें जवाब हाँ में चाहिए। एक ही तरीका है, जाओ यहाँ से। एक ही तरीका है हमारी, सारे मेरी मिर्ची को मेरे पागल में, हमारी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है। साजन जी घर आए, आपके साथ एक शूट कर ली है ना, वही दोस्ती हटो यहाँ से। अच्छा जी ठीक है, इतना भी मेरा खाका रहा गुजरा नहीं है। ठीक है तो मैं बात बताऊंगी। खैर अपने दूल्हे को रखते हैं ऊपर से आके और फिर प्रॉपर तरीके से फॉर्मल तरीके से इसका मिर्ची का रिश्ता लेके आएंगे। कोई हाँ हूँ में जवाब नहीं आना। क्या कोई हाँ हूँ में जवाब नहीं आना? बेटा हम इतने अच्छे तरीके से आएंगे। फातिमा मारूंगी मैं। चेक तो करवाजा ठीक है। नहीं पागल हो कुछ भी। इसका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। आज बेंजी इसका नाम है ब्राउनी। नाम इसका नाम है ठरकी। पापा प्रूफ करेंगे इसको कान से पकड़ा। जंजी घर आए ऐसे से लिखा हुआ है। दुल्हन क्यों शर्माए, दुल्हन क्यों शर्माए। पता है मोटा दादा क्यों है? क्यों है ये? असल में चाइना का नहीं है। चाइना का नहीं है, ये है लाहौर का है। लाहौर का है तो इसका जो नाम है ना, ये देखो इसने अपना नाम भी साथ टैग किया। हां क्या है, इंपोर्टेड है ये? पाकिस्तानी है। डबल एस, डबल एस है। इसका मतलब होता है अमीर है, अच्छा खासा कमाता है, इसके पास नेशनैलिटी है, इसीलिए इतना मोटा है भाई, है ना? और भेंगा भी है। नहीं भेंगा भूंगा नहीं है, तब प्यारा है भाई। मेरे पापा ने बोल कर दिया कि परफेक्ट मैच है, परफेक्ट रिश्ता है। तो इसके मछली भी चिप, क्या है, चिपकली, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची चिपकली। तो इसका नाम देखो इतनी प्यारी है। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन खुशर मोर। इसकी मिर्ची जो है वो आर्टिस्टिक है, हर वक्त खाती रहती है, दांत नहीं बंद होते। पागल है इसकी मिर्ची, प्यारी नहीं शक्ल कितनी। नहीं जान के देखो उल्टी पर उल्टी जा रही है। आईब्रोज देखो मारी इतनी खूबसूरत। ज़ैनब बहुत अच्छा किया ज़ैनब, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मैं भी नया लाता हूँ। हमारी लड़की सबसे सुंदर लड़का लो, मिर्ची का मिर्चे से होगा अपना लड़का लो। सिस्ट्रोलॉजी क्रॉस, शादी का घर टिक भाई। ठीक है अभी तो हम अपना लड़का लेके शांति से जा रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मल तरीके से रिश्ता लेके आएंगे अभी। व्हाट, मिर्ची का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। हाँ निकले अभी, जब तक मिर्ची का निकाह नहीं हो जाता कुछ कन्फर्म नहीं करते। फातिमा ये क्या है? फातिमा तुम अपनी बिल्ली का बदला ले रही हो? मम्मा पागल हो। फातिमा उतर जाओ नीचे, फातिमा मैं धक्का दूंगी, पीछे हो जाओ। क्योंकि ये भी एक डैडी की अम्मी है। इससे पहले कि तुम उसे मारो मैं उठा लेती हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। ये हम दोनों के भी रहने की जगह नहीं है। हम फॉर्मल तरीके से रिश्ता लेके आएंगे और मैं रिश्ता लेने खुद नहीं आऊंगी। एक ऐसी औरत को भेजूंगी जो तुमसे हाँ करवा के ही जाएगी इधर से। मेरे घर भी ऐसी औरतें हैं जो ना ही करती हैं। चलो जाओ। अच्छा जी देखते हैं भाई, मैं खुद नहीं आऊंगी, मैं किसी और को भेजूंगी। और किसको भेजूंगी वो आपने देखने के लिए स्ट्रेट ही ढूंढ रहे हैं। तभी अभी हम इसको जाकर रूम में रखते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।